हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। इस लेक्चर में हम लोग 3D मॉडलिंग सीखने वाले हैं। मतलब ऑटोकैड के अंदर 3D का काम कैसे करते हैं हम लोग, वो चीज जानेंगे। तो आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। आज का जो टॉपिक है वो है 3D मॉडलिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा लॉफ्ट। लॉफ्ट का मतलब क्या होगा, मटेरियल ऐड होगा अलोंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। जैसे कि इधर आते हैं अगेन, इसको बोले न्यू डोंट सेव। जैसे कि कोई भी क्रॉस सेक्शन, जैसे 2D हम लोग क्या बनाएंगे, इस तरह से कुछ नीचे एक सर्कल बना देते हैं, इसके ऊपर कुछ एक ऐसा सर्कल बना देते हैं, इसके ऊपर कुछ ऐसा सर्कल बना देंगे, अलग अलग हाइट पर हमारा कुछ सर्कल्स बना होगा। तो इसका ये 3D कैसा दे देगा आपको। अगर इसकी 3D की बात करें हम लोग, तो 3D आपको कुछ पॉट का शेप दे देगा, इस तरह से। इस तरह से आपको पॉट का शेप यहाँ मिल सकता है, ठीक है। ये आपका 3D में आ जाएगा इस तरह से, ठीक। तो ये कैसे हम लोग काम करते हैं, इसके लिए हमें लॉफ्ट कमांड यूज करना होता है। इधर आ जाओ आप ऑटोकैड पर। इधर आने के बाद क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, सी इंटर। यहाँ एक छोटा सा सर्कल बनाए जिसका रेडियस वैल्यू बोल दिए 4 इंटर। अगेन सर्कल लिए सेम सेंटर से, ठीक है। सेम सेंटर से एक सर्कल बनाए जिसका वैल्यू बोल दिए 9 इंटर। अगेन सर्कल सेम सेंटर से एक सर्कल बोल दिए 6 इंटर। अगेन सर्कल लिए एक सेंटर से बोल दिए जिसका रेडियस वैल्यू हो गया 2 इंटर, ठीक है। सबसे नीचे हम किसको रखना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसके ऊपर किसको रखना है, इसको रखना है, तो जस्ट इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए 3 एक्सिस शो हो रहा है ना, एक्स वाई और जेड। मुझे इसको हाइट देना है तो क्या करेंगे, जेड एक्सिस को क्लिक करेंगे। एक्सिस को क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ हम इसको ड्रैग करेंगे। देन इसको कितना हाइट देना चाहते हैं, मैंने बोला 8 इंटर, ठीक है। देन एस्केप। इसके ऊपर हम किस शेप को रखना चाहते हैं, इस शेप को, तो जस्ट इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। एट ए टाइम कोई एक इसके सेलेक्ट करना है। अभी इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ हाइट देना है, तो अगेन इस पर क्लिक करेंगे। देन ऊपर की तरफ कितने का डिस्टेंस, मैंने बोला 15 इंटर। देन एस्केप। अगेन हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ कितने का हाइट पर, मैंने बोला इसको 20 का हाइट रखना चाहते हैं, तो वैल्यू दे देंगे 20 या 25 बोल देते हैं, 25 इंटर। देन एस्केप। अगर इसको हम लोग रिवॉल्व करके चेक कर, देखिए ये अलग अलग हाइट पर आ गया। देन यहाँ हम लोग कौन सा कमांड चलाएंगे, लॉफ्ट, जो अभी आपका कमांड है LOFT इंटर। देन इसमें एक नोट बोल रहा है, नोट में क्या बोल रहा था, द फ्रेम शुड हैव डिफरेंट एलिवेशन और फ्रेम शुड बी एट अ पर्टिकुलर हाइट। आपका फ्रेम कुछ हाइट पर होना चाहिए या एलिवेशन पर होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। कमांड अब दे दो LOFT इंटर। देन सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देन इसको सेलेक्ट करते हैं, देन इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, देन इंटर। अगेन इंटर कीजिए। ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको मटेरियल ऐड करके मिल जाएगा, ठीक है। अगेन ध्यान दीजिए, अगेन इसको हम बोले SW आइसोमेट्रिक, ठीक है। अगेन क्या करते हैं, यह हम लोग पॉलीगन बना लेते हैं, POL इंटर। नंबर ऑफ साइड्स बोल दिए 6 इंटर, सेंटर पॉइंट ये हो गया, इंस्क्राइब बोल दिए, इसका रेडियस ऑफ सर्कल बोल दिए 6 इंटर। अगेन POL, नंबर ऑफ साइड्स अगेन बोल दिए 6 इंटर, सेम सेंटर से इंस्क्राइब बोल दिए, जिसका रेडियस वैल्यू बोल देते हैं हम लोग कितना, लगभग 15 इंटर। अगेन पॉलीगन, अगेन सेम साइड 6 एंटर, देन सेंटर पॉइंट अगेन हमारा सेम रहेगा, देन इंस्क्राइब बोल दिए, देन इसका रेडियस वैल्यू हम बोल देते हैं 9 एंटर। अगेन पॉलीगन, सेम साइड 6 एंटर, सेम सेंटर पॉइंट, देन इंस्क्राइब बोल दिए, देन इसका रेडियस वैल्यू हम बोल देते हैं 11 एंटर, ठीक है। सबसे नीचे किसको रखना चाहते हैं हम, इसको रखना चाहते हैं, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसके ऊपर किसको रखना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। देन इसको ऊपर की तरफ कितने का हाइट देना चाहते हैं, मैंने बोला 10 इंटर। देन एस्केप। इसके ऊपर किसको रखना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लो आप, इसको सेलेक्ट किए, देन इसको मिड से पकड़े ऊपर की तरफ कितना, मैंने बोला 20 इंटर। देन एस्केप। इसके ऊपर किसको रखना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, सेलेक्ट किए ऊपर की तरफ कितना, 30 इंटर। देन एस्केप, ठीक है। देन ये देखिए कुछ ऐसा बना। अभी इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, लॉफ्ट कमांड देंगे। लॉफ्ट के लिए कमांड दे दो आप LOFT इंटर, देन सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट थर्ड ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट फोर्थ ऑब्जेक्ट, देन इंटर इंटर। ये कुछ आपका इस तरह का बनकर का ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, ये देखो, ठीक है।
लॉफ्ट से ऐसा कुछ भी आप ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका, रिवॉल्व। रिवॉल्व से क्या होगा आपका, मटेरियल ऐड होगा अलोंग एन एक्सिस। ठीक है, कमांड क्या होता है, आर ई वी इंटर। कैसे होता है ध्यान दीजिए, इधर आते हैं अगेन, न्यू बोले डॉन्ट से। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ भी स्केच है, मान लो कुछ ऐसा स्केच है आपके पास, ठीक है, और इसके लिए एक एक्सिस कुछ हमारे पास ऐसा है, तो ये कैसा शेप आपको दे देगा, जस्ट एक सिलेंड्रिकल शेप आपको मिल जाएगा। इस तरह का आपको शेप कुछ, अगर 3D इसका देखें तो हमारा कुछ 3D इस टाइप का बनेगा। ये आपका 3D होगा, ठीक है, और ये आपका 2D, मतलब 2D में हमारा कुछ ऐसा स्केच बना और इस एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे हम लोग, रिवॉल्व करा देंगे, तो कुछ आपका 3D इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। देखते हैं कैसे, इधर आ जाओ अगेन, इसको SW आइसोमेट्रिक कीजिए। SW आइसोमेट्रिक करने के बाद इधर आते हैं, यहाँ कुछ हम लोग लाइन लेते हैं L इंटर, जस्ट यहाँ से स्केच बनाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में कुछ लाइन इस तरह से बनाए। अगेन इसको हम बोल दिए इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कुछ है इस तरह से, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसा, इधर की तरफ ऐसा बनाए, देन नीचे की तरफ कुछ इस तरह से बनाते हैं, देन इसको कुछ यहाँ मैच करा दिए, देन स्केप, ठीक है। देन इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ भी आपको ज्वाइन या रीजन कमांड चलाना होगा। कमांड दे दिए जे इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ये आपका ज्वाइन हो गया। अभी यहाँ कमांड देंगे आर ई वी इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देन इंटर करेंगे, देन क्या बोला, स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट, एक्सिस स्टार्ट पॉइंट ये बताएं, देन एक्सिस एंड पॉइंट हम ये बताएं। इसके अलावा देखिए ये क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। देन यहाँ क्या बोला, स्पेसिफाई एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन, एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन आपको कितना रखना है, मैंने बोला 360 इंटर, ये देखिए कंप्लीट आपका 360 रिवॉल्व हो जाएगा। कुछ इस तरह का आपको फीचर्स बन के मिल जाएगा, ठीक है, ये होता है आपका रिवॉल्व। अगेन देखिए इसको, इसको बोले SW आइसोमेट्रिक। देन दूसरा एक स्केच बनाते हैं, उसके लिए लाइन लेते हैं L इंटर, यहाँ से स्टार्ट किए कुछ इस डायरेक्शन में, या फिर आप करना क्या ना, यहाँ से टॉप कर सकते हो, टॉप प्लेन किए, या फिर आप यहाँ से लेफ्ट कर लो इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट करने के बाद लाइन लेते हैं L इंटर, यहाँ से कुछ इस तरह बनाए लाइन, देन यहाँ एफेक्ट को आप कर दो ऑफ, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, इधर आपका कुछ ऐसा बना दो, देन ऊपर की तरफ जस्ट इसके सामने से कुछ ऐसा, देन इधर से ये क्लोज, देन स्केप। इसके बाद अगेन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, SW आइसोमेट्रिक, ये कुछ हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा बना है, इसको हम क्या करेंगे, रिवॉल्व, आर ई वी इंटर। रिवॉल्व करने से पहले आपको ज्वाइन या रीजन करना होगा, जे इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ये आपका ज्वाइन हो चुका है, आप कर लो आप रिवॉल्व आर ई वी इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। इसके अलोंग रिवॉल्व कराना चाहते हैं, एक्सिस बताना होगा, फर्स्ट पॉइंट ये बताएं, सेकंड पॉइंट ये बताएं। इसके अलोंग देखिए ये रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, देन इसको कितना डिग्री पे रिवॉल्व करना है, मैंने बोला 360 इंटर। ये देखिए आपका 360 रिवॉल्व होने के बाद कुछ इस टाइप का फीचर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्व। अगेन इसको साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में डाल लो आप। नेक्स्ट क्या है आपका, ध्यान दीजिए स्वीप। स्वीप का मतलब क्या होता है, मटेरियल ऐड होगा अलोंग अ पाथ, ठीक है, किसी भी पाथ के अलोंग मटेरियल को ऐड कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे कि इधर आते हैं अगेन, यहाँ से बोले न्यू डोंट सेव। जैसे कि 2D हमारा कैसा होगा, 2D में अगर हम कुछ बनाते हैं एक सर्कल, ठीक है, सर्कल बनाने के बाद इसको हम लोग इसके अलोंग मटेरियल ऐड करना चाहते हैं, ये पाथ हो गया, मान लो ये क्या आपका पाथ, ठीक है, एक पाथ बनेगा, दूसरा क्या बनेगा आपका प्रोफाइल, ये आपका प्रोफाइल हो गया, ठीक है, प्रोफाइल। देन अगर इसका हम लोग 3D देखने जाएं तो 3D आपका कैसा होगा, जस्ट आपका एक सिलेंड्रिकल पाइप बन करके मिल जाएगा इस तरह से, इस तरह से आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप 3D में देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे, इधर आते हैं, जैसे कि सबसे पहले एक हम पाथ बनाते हैं, पाथ के लिए हम लोग स्प्लाइन हम यूज कर लेते हैं, SPL इंटर, देन यहाँ से कुछ इस तरह से हम लोग स्प्लाइन बनाते हैं, ठीक है, इस तरह का एक कुछ स्प्लाइन हम ड्रॉ कर दिए, देन स्केप, स्केप नहीं इंटर करेंगे, देन यहाँ एक सर्कल बनाते हैं, C इंटर सेंटर पॉइंट ये बताएं, और एक सर्कल कुछ ऐसा बना दिए, ठीक है, जिसका रेडियस वैल्यू बोल दिए 10 इंटर। अभी हम क्या चाहते हैं, इस प्रोफाइल को इस पाथ के ऊपर चलाना, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे,
कमांड देंगे शेप एस डब्ल्यू एंटर, देन क्या बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, देन एंटर, उसके बाद क्या बोला सेलेक्ट स्वीप पाथ, पाथ हमारा ये है, जस्ट आप इसको सेलेक्ट कर लो। देखो इसके अलावा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पाथ चल जाएगा, ये आपका, आप इसको डिलीट कर दो एक बार, फिर बिल्कुल ये अच्छे से रिवॉल्व होगा, डिलीट, ठीक है। देन अगर इसको हम रिवॉल्व करें, ये देखिए इस तरह से आपका एक पाथ और प्रोफाइल बनेगा, जिसके अलोंग हमारा बिल्कुल मटेरियल ऐड करके दे देगा, ठीक है। ये था हमारा स्वीप। नेक्स्ट क्या है आपका, इधर आ जाओ, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे कि आप मान लो अगेन यहाँ बोलते हैं एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। एक हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं आर ई सी इंटर, और एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा ड्रॉ किए, देन इसको हम लोग एक्सट्रूड कर देते हैं ई एक्स टी इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, इस डायरेक्शन में कुछ हम लोग एक्सट्रूड किए, अगेन रेक्टेंगल बनाते हैं आर ई सी इंटर, एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा बना देते हैं इस तरह से, ठीक है इतना, देन इसको भी एक्सट्रूड करते हैं ई एक्स टी इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, इसको हम लोग कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से एक्सट्रूड कर दिए, ठीक है। देन इसको जब हम लोग दोनों को प्लेस करेंगे एक साथ, यहाँ मूव करा रहे हैं एम इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, कहाँ से मूव कराएंगे, इस पॉइंट से, कहाँ रखेंगे, इस एंड पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कभी कभी होता क्या ना कि हमें मूव करके भी ड्राइंग को बनाना पड़ता है, तो उस केस में होता क्या है कि हमारा ये बॉडी तो एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट दो हो जाता है, तो उस केस में हमें करना क्या पड़ता है, दोनों को मर्ज करने के लिए यूनियन करना पड़ता है। जैसे 2D के स्केच को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो 3D में हमें क्या करना होगा, यूनियन करना होगा। यूनियन के लिए कमांड क्या होता है, यू एन आई इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। अभी देखिए ये आपका बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों हमारा सेलेक्ट हो रहा, यानी इसको बोलते हैं यूनियन। उसी तरह से नेक्स्ट क्या आपका, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इधर आते हैं, इस पर एक स्केच बनाते हैं, हम बोल दिए आर ई सी इंटर, देन यहाँ एक स्केच कुछ ऐसा हम बना दिए, ये हमारा कस्टम व्यू में था, इसलिए ये हमारा स्केच कहाँ गया देखिए पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल गायब हो गया। अंडो कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे पहले साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, ठीक है। अगेन हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं आर ई सी इंटर, इस पर आ रहे हैं, हाईलाइट हुआ, देन यहाँ क्लिक किए, इस तरह से एक रेक्टेंगल बोल दिए, जिसका डी इंटर डायमेंशन बोल दिए, लेंथ बोल दिए 100 इंटर, और विड्थ बोल दिए 100 इंटर, ठीक है, देन क्लिक, इस तरह से हमारा एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अभी इसको हम लोग करेंगे क्या, एक्सट्रूड कर देते हैं ई एक्स टी इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, नीचे की तरफ हम लोग कुछ एक्सट्रूड किए, वैल्यू बोल दिए 100 इंटर, ठीक है। होता क्या है कि इसके अंदर ये हमारा दो बॉडी बन गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस रेक्टेंगल को, ये जो सॉरी स्क्वायर है, इसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, तो करेंगे क्या, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कमांड देंगे एस यू बी इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले बोल रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी कौन सा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से जिसको घटाना होगा, यानी जो आपको रखना है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर, इंटर करने के बाद अगेन बोल रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी किसको करेंगे, इस स्क्वायर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इधर आते हैं, थोड़ा सा केयरफुली इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर, ये देखिए आपका इस बॉडी में से ये बॉडी क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये था हमारा कंप्लीट 3D। ऑटो कैड में हम लोग मेनली मटेरियल को ऐड कर पाते हैं, लेकिन रिमूव करने में बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग इसमें मटेरियल को रिमूव नहीं करते, और यही रीज़न है कि हमारा इंडस्ट्री के अंदर इसका 3D यूज़ नहीं किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगेन एंड अगेन मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिससे मेरे वीडियो से हेल्प हो सके। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और ऑटोकैड का जो लेक्चर था यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं कोई भी टॉपिक हो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोज आपके लिए बना करके अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प हो, ठीक है। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर पे हमारा वीडियो आने वाला है वो किसके ऊपर वीडियोस लाएंगे, सॉलिड वर्क्स के ऊपर, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, नेक्स्ट आपको सॉलिड वर्क्स का भी वीडियोस मिलेगा, और बिल्कुल वो भी बिगनिंग से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।